यहाँ सहारनपुर के जिला कारागार में यहाँ उपस्थित यहाँ के जेलर चौधरी जी और दोनों डिप्टी जेलर बंधु श्री कृष्ण कृपा जी योगिता परिवार के सभी सदस्य और उपस्थित आप सब, दो तीन बातें हम करेंगे आपसे, जिसमें लगेगा कि यहाँ आना एक पूर्व की कोई स्थिति हो सकती है किसी भी निमित्त से, लेकिन क्या यहाँ आ गए तो जीवन का आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया या कुछ और है कि यहाँ रह के भी हम कुछ और कर सकते हैं? हम इस निमित्त से भगवद गीता को आधार बनाकर सबसे पहले आपको ये बात कर दें कि जो भी बात हम करेंगे वो बात न तो किसी जाति को आधार बनाकर, न कोई वर्ग, न वर्ण, न मजहब, न रिलीजन, मानवता की स्थिति। जब मानवता की स्थिति आती है तो वहाँ एक दो बातें तो स्पष्ट हैं। कल हम शाम के सत्संग में भी कह रहे थे कि शरीर जो हम सबका है, शरीर की रचना उन्हीं पांच तत्वों से है जो सबके हैं, आकाश, तेज, जल, वायु, पृथ्वी। अंदर जो चेतना का करंट है वो भी सबके अंदर एक ही है, जिससे शरीर चल रहे हैं वहां भी कोई भेद नहीं। जैसे घर में बिजली के अलग अलग उपकरण होते हैं, कहीं बल्ब होता है रोशनी देता है, कहीं पंखा होता है हवा देता है, कहीं कोई गीजर लगा होता है गर्म पानी देता है, तो सबके अलग अलग कार्य हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि करंट बिजली का घर में जो एक करंट आता है वही सबके साथ होता है, वो अलग नहीं होता। आगे उस जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है, उसका सिस्टम आगे जो होता है वो कैसे उसे रिसीव करके आगे कार्य करता है वो एक अलग बात होती है। तो ये जीवन जो हमें मिला है, मनुष्य जीवन, जातियां तो बात की बात है, वर्ग वर्ण मजहब बात की बात है, मनुष्य जीवन जो मिला है, सबसे पहले तो हम ये समझे कि जीवन बहुत अनमोल है, बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन तो क्या, जीवन का एक श्वास भी संसार की किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। ये बात उस समय सबको और अच्छी तरह दिखाई भी थी, समझ भी कुछ आई होगी कि जब कोरोना के कारण से बड़े बड़े लोग थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन अर्थात प्राणों के लिए, प्राणवायु के लिए तरसते तरस रहे थे, तिजोरियां भरी रही लेकिन खरी रही, उस समय काम नहीं आ पाए, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, दम कम होता जा रहा था, लेकिन दाम के खजाने भरे ही भले पड़े थे, तो भरे रहे, पड़े रहे। तो संसार की दौलत के आगे, संसार की दौलत इस जीवन और जीवन के श्वासों के आगे किसी भी तरह महत्व नहीं लगते। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, अधिकतर लोगों ने, सिकंदर सम्राट, उसको अपने साथ सिकंदर द ग्रेट लिखने में बड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था, सिकंदर महान। लेकिन कई जगह लूटपाट मार काट कर करके उसको अपने खजाने भरने का शौक था, भरे भी खूब भरे, लेकिन जब जिस समय समय पूरा हुआ जीवन का, क्योंकि वो तो सबके साथ है, एक दिन ऐसा आता ही है कि जब समय निकलते निकलते बचपन जवानी में बदलता है, जवानी बुढ़ापे में बदलती है, और बुढ़ापे के बाद कितने लोगों को हम देखते हैं, हमारे देखते देखते चले गए। आप सबके ध्यान में बहुत लोग होंगे जिनको हम मिलते थे, बाहर थे जब देखते थे, आज वो नहीं है या नहीं, ऐसे बहुत लोग होते। तो जवानी बुढ़ापे में बदलती है, बुढ़ापा अंत में उसी स्थिति में बदलता है जब शरीर चार भाइयों के कंधे पे आ जाता है।
सिकंदर की भी जब ये स्थिति हुई, जब उसे लगा कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं, अब तो कुछ ही समय का मैं मेहमान, उसने एक काम किया, अपने राज्य के सारे वैद्य, सारे हकीम, डॉक्टर सब इकट्ठे कर लिए। बादशाह का हुक्म था, आना ही था, सबको आए, सबको कहा कि मुझे मेरे कुछ श्वास बढ़ा दो, कुछ समय मेरे जीवन का और बढ़ा दो, जितना जितना चाहो मैं तुम्हारे लिए खजाने खोल दूंगा, पैसा जितना जिसको चाहिए ले लो, कुछ समय बढ़ा दो। तो तब सब डॉक्टर, सब हकीम, सब ने एक साथ कहा, बादशाह ये श्वास और समय ये आपके तिजोरियों का मोहताज नहीं, आपके भरे खजानों से ये श्वास और समय नहीं खरीदा जा सकता। और तब सिकंदर को पहली बार लगा कि मैंने जिस धन के कारण, धन की लूटपाट के कारण इतनी मार काट की, वो धन तो अब पड़ा है, लेकिन मैं जा रहा हूं, उस धन छूट रहा है और अब वो अधर्म साथ लेके मैं जा रहा हूं। और इसीलिए, लेकिन कई बार होता है कि बुद्धि पहले तो ठीक चेतती नहीं, लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो होश आती है। लेकिन तब तक तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बचपन में तो अकल नहीं आती, आती है जवानी तो सितम ढाती है, कुछ भी करने की सोचती है, हुक करो कुछ भी करके, बचपन में अकल नहीं आती, आती है जवानी तो सितम ढाती है, खुलने लगती है कुछ पीरी में, बुढ़ापे में आंखें, लेकिन जीना आते ही मौत आ जाती है। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन निकल, तो सिकंदर के साथ यही हुआ, अंत समय में उसने अपने बाल नोचने शुरू किए, लेकिन तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका था। और तब उसने अपने सेनापति को बुलाया, जब डॉक्टर साहब और हकीमों ने मना कर दिया कि पैसा पड़ा है बादशाह, कुछ काम नहीं अब आएगा, यही रहेगा, अब तो किए हुए कर्म, अच्छाई या बुराई, वही पीछे लोगों के लिए रहेगी याद, और वही आगे साथ जाएगी, क्योंकि यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या, ये पहले सोचने की बातें, अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। ये तो देखो दुनिया का है, ये खेल है दुनिया का, यही दुनिया ही जन्नत है, यही दुनिया जहन्नुम है, अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर किस बात का गम, लेकिन कर्म अच्छे हो तो, नहीं तो डराता कौन है किसी, अपने कर्म डराते हैं, जिन्होंने अच्छा किया, जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई की अच्छी तैयारी की होती है वो ना एग्जाम से डरते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल से डरते हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं की होती वही घबराते हैं पेपर देने में, है ठीक बात है या नहीं। ऐसे ही जिन्होंने कुछ तैयारी जीवन की होती है, कुछ अच्छा किया होता है, उन्हें मृत्यु से भी डर नहीं लगता, तो ठीक है जब आनी है सबके साथ आनी है, तो पता है कि हमने जीवन को अच्छे से जिया हुआ है, कोई अच्छा करके जिया हुआ है। लेकिन सिकंदर ने उस समय सेनापति को बुलाया, कहा सेनापति एक काम करना, मेरा जब जनाजा, मेरी अर्थी जब निकले नगर में से, तो एक काम करना, मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से, मेरी अर्थी से बाहर निकाल देना, ये सच्ची घटना है। सेनापति ने कहा बादशाह ऐसा क्यों कि दुनिया के बादशाह का जनाजा अर्थी निकल रही हो, तो लोग क्या कहेंगे ऐसे बाहर हाथ निकाल रखे हैं। तो सिकंदर ने कहा मैंने जो भूल की, दुनिया वाले देख सके कि ना वो भी ले गए कुछ साथ, जो मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, ताकि दुनिया वाले कम से कम पीछे वाले इस बात को समझ सके कि जिस धन के कारण हम इतना अधर्म करते हैं, इतनी बुराइयां करते हैं, वो धन पड़ा रहता है, धरा रहता है, और बुराइयां, कई बार एक बात उठती है कि आदर तो जो लोग भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार करके
बड़े बन जाते हैं तो आदर तो आज उन्हीं का है। ये लोग ही कहते हैं कि बुराई का हम कोई टाइम रहा होगा कि जब अच्छाई सम्मान पर, आजकल तो ऐसा नहीं है। किसी भी युग में बुराई का कभी सम्मान नहीं हुआ, सम्मान जब भी हुआ अच्छाई का हुआ। और अपने भारत में तो कभी भी ना तो किसी का आदर पैसे के कारण हुआ, ना किसी का आदर ऊंचे पद के कारण हुआ। हाँ, धन वाले पद वाले अगर कोई अच्छे से अपने पद का उपयोग करके कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको समय ने याद रखा, वरना कितने राजा भी कितने हुए आए गए, कौन याद करता है। याद प्रेरणा वही बने जिन्होंने कुछ अच्छा किया। हमने कभी भी रावण की पूजा नहीं की और राम आज भी आदर्श है। कंस को कभी नहीं पूजा, लेकिन एक निर्धन सा सुदामा, हम पीछे मुजफ्फरनगर जेल में थे, वहां एक मुस्लिम भाई ने बड़े इतने भाव के साथ गीत गाया कर सुनाया। कैदी भाई था जेल का, है अरे द्वार पालो, इनको याद है वहीं थे साथ ही, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और वो स्वयं भी इतना इमोशनल हो रहा था गाते गाते, और कईयों को उसने इमोशनल किया। श्रीम भाई था तो बड़े सुरताल के साथ उसने वो गीत गाया, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। तो अब देखिए, एक और कंस था, ऊंचा पद था, लेकिन भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने उस कंस को ऊंचे पद से नीचे पटका। जब कंस ने कहा, पटकने लगे तो कंस ने कहा, कन्हैया तुझे पता नहीं मैं तेरा मामा लगता हूं। कन्हैया ने कहा पता है मामा। कह रहे फिर मामा के चरण पकड़ने चाहिए या बाल पकड़ने चाहिए? तो कन्हैया ने कहा चरण तो पकड़ने चाहिए, लेकिन चरण पकड़ने वाला आचरण भी तो होना चाहिए ना। तूने जो किया है जीवन में, तूने मेरी माँ के देवकी के बाल पकड़ के ही तो रथ से नीचे पटका था ना, तो अब तुझे पीड़ा हो रही है। एक को ऊपर के आसन से, कन्हैया ने कंस को ऊपर के आसन से नीचे पटक दिया, और ऐसा पटका कि आज तक कंस गिरा ही हुआ है। कभी उठ पाया क्या? कभी उसके प्रति हमने आदर किया क्या? किसी का नाम ऐ पे निकलता है, घरों में हम देखते हैं अंश रख लेते हैं, रख लेते हैं ना। कई बार वह पे नाम निकलता है तो वंश रख लेते हैं, लेकिन ऐसा ही नाम अगर कोई कहे कै पे निकला है तो कंस रख ले अपने बच्चे का नाम, कोई रख लेगा क्या? बताओ कोई रख लेगा कंस नाम? क्या कोई नहीं रखेगा? क्यों? बुराई का प्रतीक है, आज भी वो बुराई का प्रतीक है, आज भी कोई नाम तक नहीं रखता कंस का। तो एक कंस को ऊपर के आसन पे कन्हैया ने नीचे पटका, और एक सुदामा बिल्कुल निर्धन, फटे वस्त्र, जर्जर काया, कुछ है ही नहीं, एक फटी पुरानी पोटली सी बनाकर, पुराने कपड़े की, उसमें कुछ चावल कहीं, वो मांगे हुए चावल लेकर आया था कन्हैया के लिए। लेकिन तो भी उस सुदामा के आने पर, देखो, एक को ऊंचे आसन से नीचे पटका और एक के आने पर अपना आसन छोड़ दिया। और सुदामा को कहां बिठाया था द्वारका में? जब सुदामा आए तो कहां बिठाया था कन्हैया? नहीं, अपने सिंहासन पर बिठाया और आप चरणों में बैठ गए। अब देखिए भारत का दर्शन, अच्छाई ही सम्मान पाती है, बुराई नहीं। सुदामा के पास तो कुछ भी तो नहीं था। अच्छा ये बताओ, शबरी का सम्मान है या शूर्पणखा का सम्मान है? शबरी का है ना, शूर्पणखा का तो कभी नहीं हमने सम्मान किया। तो शबरी क्या था? शबरी बिचारी के पास छोटी सी कुटिया में रहती थी, कुछ भी तो नहीं था, तोड़कर कुछ कंदमूल फल खा लेती थी, पानी पी, बस उतना ही। लेकिन आज भी उसका सम्मान है। तो सम्मान हमेशा अच्छाई पाती है, बुराई कभी भी सम्मान नहीं। ना गली मोहल्लों में भी सब देखते हैं कि बिगड़े हुए बच्चे जो होते हैं, नशेड़ी बच्चे जो होते हैं, उनका घर में भी और बाहर गली मोहल्ले में भी ऐसे उंगलियां उठती हैं, ये अच्छा ये वही जा रहा है, या जो चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, या नशे नशे में कुछ भी कर देते हैं, बुराई बुरा कर्म कर हो गया, कुछ कर दिया कुछ, तो कहीं भी
गली मोहल्ले में भी समाज में भी कहीं आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता हो। एक जिसका भाव अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, वो समाज में भी आदर पहले भी आदर पाता है और पीछे भी आदर अच्छाई का ही होता है। और जीवन मिला है, कुछ इसीलिए कहा जाता है कि जीवन मिला है तो कुछ अच्छा कर ले, कुछ इस जीवन को बना ले। और समय तो देखो, समय निकलेगा, जैसे सूर्य का प्रकाश आज तो नहीं है, सूर्य का प्रकाश होता है तो उसका उपयोग कोई अच्छा काम करके भी कर सकता है, कोई बुराई कोई ताश खेल के करेगा, कोई गीता रामायण आदि अपने अपने भाव के पाठ करके उसका रोशनी का लाभ ले लेगा। तो सूर्य ऐसे जीवन मिला है, समय एक जैसा है सबके लिए, उसका उपयोग हमारे हाथ में है, हम कैसे करें। अब एक बात आती है, आप ये सोचेंगे कि ये तो बातें थी कि हम कहीं जेल से बाहर होते वहां ऐसा सत्संग सुनते तो कुछ अच्छा काम करते, तो अब तो यहाँ जेल की दीवारों में बंद है हम, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लोग ये सोच लेते हैं, लेकिन यहाँ रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो आप संकल्प जगा सकते हैं, हमने हरियाणा की जेलों में लगभग सभी जेलों में पाठ होता है, जाना हुआ कोई भी जेल, और भारत में कई बार गए, कई जगह गए हैं। तो दो बातें हम आपसे करेंगे कि यहाँ रह के हम क्या कर सकते हैं। देखो एक तो ये निराशा मन में नहीं पाल के बैठना कि बस अब तो कर ही क्या सकते हैं, निराशा जी। हमने कैदियों की साइकोलॉजी मानसिकता पढ़ी, बहुत सी जिलों के भी जाना हुआ इसी निमित्त से, हमने मानसिकता पड़ी कि दिन तो मिलते जुलते निकलता है, लेकिन शाम को जब बैरक में जाते हैं अंधेरा होने लगता है, उसके बाद निराशा बढ़ती है, अकेलापन महसूस होता है, बाहर की याद आती है, पुरानी यादें आती हैं। कई बार किसी किसी को होता होगा, और वो हो तो अच्छा है, कई बार पश्चाताप भी होता है कि हमारे से क्या हो गया, क्योंकि हमने एक बात और देखी, चार तरह के हमने देखे बंदी जेलों में। एक तो जिनकी वृत्ति ही ऐसी बन जाती है बस कुछ करना ही है, बुराई करना है कुछ। एक वो देखा कि जिनकी जिनको कोई हालात ऐसे बन जाते हैं, कोई हालात बुराई करवा लेते हैं, थे नहीं ऐसे, लेकिन कोई हालात ऐसा बन गया कि उनसे कुछ बुरा हो गया। कुछ ऐसे भी हमने देखे, हालात भी कुछ नहीं, स्वभाव भी नहीं ऐसा, लेकिन अचानक उन्हें भी नहीं पता कि हमारे से ये हो कैसे क्यों गया, नहीं हो गया, हो गया तो कानून अपना काम करेगा, तो कानून की गिरफ्त में आ गए। बहुत से लोग देखे ऐसे जिनका स्वभाव नहीं है बुरा, आचरण भी ऐसा नहीं था, परिस्थिति भी ऐसी, लेकिन बस अचानक अर्जुन ने प्रश्न किया गीता में भगवान कृष्ण से कि ये बताओ प्रभु, ये मनुष्य कई बार अच्छा होते हुए भी वो क्या है जो अचानक मनुष्य से पाप कर्म करवा लेता है। अथ केन प्रयुक्तो एवं पापम चरति पुरुषा अनिच्छन अपि वा, वहां शब्द लगाया कि इच्छा भी नहीं होती, बिना इच्छा के कुछ ऐसा काम हो जाता है और फिर पीछे पछताता है कि मेरे से क्यों हो गया ऐसा। तब भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश, कि कई बार अमर्यादित काम और कभी कभी उच्छृंखलता वाला क्रोध, भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश, ये जब काम और क्रोध बढ़ते हैं, या तीन चीजें बताई नरक के द्वार गीता में, काम क्रोधा तथा लोभा, जब बहुत लोभ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लूटपाट, बहुत काम बढ़ता है अमर्यादित तो कहीं ना कहीं अप्रिय घटनाएं, बहुत क्रोध बढ़ता है तो गुस्से में पता नहीं लगता क्या करना क्या ना करना, तो उस समय कोई ऐसी स्थिति, तो गीता ने उसका समाधान बताया कि जब ये अच्छा, तो कई कैदी ऐसे दिखे अचानक कोई वृत्ति बढ़ी, उस कारण से कुछ हो गया पाप, कानून ने अपना काम कर लिया। चौथे ऐसे भी भले कम होते हैं, कुछ परसेंट होते हैं, हर जेल में होते हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं या बहुत कम कुछ हुआ लेकिन कुछ अधिक गिरफ्त में आ गया। कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु का कर्म सामने आ गया होगा, किया किसी ने लेकिन कुछ पकड़ में आ गया,
ऐसा भी कोई ना कोई होता है। लेकिन आगे तो दो बातों का ध्यान, एक तो निराशा है, जीवन की कोई भी हार अंतिम हार नहीं होती। भगवद गीता ने कहा कि पापी से पापी भी, वहां अपि चेत सुदुराचारो या सर्वेभ्य पापेभ्य, दो श्लोक आए कि पापियों में भी अग्रणी यदि तो रहा है, दुराचारियों का भी श्रोमणी यदि तो रहा है, तो भी अगर निश्चय पक्का कर लेगा, भी लाइन सुनी ना, पक्का ये निश्चय बनाए कि अच्छे बनकर हम, अगर तो निश्चय पक्का कर लेगा कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे अपने जीवन को कुछ बनाना है। तो कई चीजें ऐसी हैं कि जेलों में रह के भी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रह के पूरी गीता पढ़ के गीता की व्याख्या लिखी। नेल्सन मंडेला 25 साल जेल में रहे, जब बाहर निकले मुस्कुराता चेहरा, उनसे किसी ने पूछा कि आपको भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं जेल में सदुपयोग करता रहा, अच्छे साथी मिल गए, कोई अच्छा अच्छी चर्चाएं करने का योग बना, गीता हाथ में थी, गीता से आत्मविश्वास बढ़ा। बहुत से लोगों ने जेल में, बहुत उदाहरण है, रामप्रसाद बिस्मिल फांसी की सजा हो गई, दो दिन पहले भी गीता पढ़ रहे थे सहज, किसी ने कहा रामप्रसाद जी अब तो परसों फांसी होनी है, अब क्या ले रहे हो गीता से, कहते गीता से ये ले रहा हूं कि मुझे मेरा आगे का लोक बनाना है, और ये कि मरने से पहले का एक एक क्षण मैंने मजबूती से जीना है, मुस्कुरा के जीना है, मरने से पहले मैंने मर के नहीं जीना, ये मैंने विश्वास पाया है गीता। फांसी से नहीं डरे, भगत सिंह जेल में गीता पढ़ते थे, उदाहरण आपको देने लगे तो ढेरों उदाहरण है, ढेरों जिन्होंने गीता पढ़ी। अशफाकुल्ला खान गीता पढ़, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व को यदि पूरी तरह शांति और सद्भाव चाहिए तो गीता के मार्ग पे चलना पड़ेगा, क्योंकि कहते मैंने गीता पढ़ी है और मैंने पाया है कि गीता केवल मजहबी ग्रंथ नहीं है, गीता एक मानवता का ग्रंथ है, मानवता की प्रेरणा है, उन्होंने लिखा है सर। तो यहां रह के आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, संकल्प से कम संकल्प तो कर ही सकते हैं ना आप अच्छे, दीवारों ने आपके शरीर को ही तो बांध रखा है ना, अंदर शरीर को ही तो रखा हुआ है ना, आपके विचार तो सब तो कुछ विचार करें। एक तो विचारों में हमने एक और कैदियों की मानसिकता देखी, जेल में रह के भी उल्टे पलटे सोच बनाए रखेंगे, अब बाहर निकलूंगा, उसने मुझे ये कहा था, अब तो निकलते ही बस ये। हरियाणा में एक घटना घटी है, एक व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया, कुछ उससे मर्डर वगैरह हुआ, लेकिन जिनके जो और थे जिनका किया, वो तो पैरोल मिला उसे, जब पैरोल में जाकर फिर उस घर में घुस गया और पैरोल में फिर उनमें से किसी को, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे जेल भिजवाया इन्होंने, तो सच्ची घटना है। तो फिर जाके रात रात में घर में उनके मर्डर करके आ गया और वो आजीवन कारावास फांसी की सजा में बदल गया उसका। और ऐसे भी हमने उदाहरण देखे कि हमने एक जगह एक उदाहरण देख दिया, ये बदले की आग को लेकर के, अभी गीत में भी था ना, क्यों बदले की आग में जलते रहे, नुकसान क्यों अपना करते रहे। अब यहां बैठे बैठे मान लो आप ये सोचते भी रहो प्रतिशोध की आग कि जाएंगे निकलेंगे तो ये कर, ये उसका करूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, अब उसे बताऊंगा कैसे होता है मुझे, मेरे साथ ऐसा। तो यही सोच सोच के, पहली बात तो ये बताओ यहां सोच के किसका नुकसान हम करेंगे, उसका या अपना, अपने को जलाते रहेंगे, अपना ही तो मन तपेगा। एक जगह हमने उदाहरण दिया, वहां आजकल जो एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल जी, वो समय चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो हमारे साथ कई जेलों में गए। तो एक जगह वो थे अंबाला जेल में, वहां दिया सलाई से जो जलानी थी, हवा चल रही थी, तो दो बार वो दिया सलाई जली लेकिन जोत तक पहुंच नहीं पाई। तो हमने बाद में उदाहरण दिया सभी को,
हमने कहा दिया सुलाई जब कुछ जलाने चलती है पहले अपने को जलाती है दूसरे को, जल्दी बताओ, पहले अपने को जलाती है ना। और कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि जिसको जलाने चली बीच में हवा का झोंका आ गया, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाई, लेकिन आप तो जल गई या नहीं जल गया, जल गई ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं, किसी के लिए कोई बदले की भावना रखते हैं, किसी के लिए कुछ गुस्से में सोचते हैं, तो पहले अपने को तो जला रहे हैं, और वहां तक तो कोई असर हो ना हो, लेकिन हम तो, हमारा मन तो तप रहा है, जल रहा है उसी आग में, तो नुकसान किसका हुआ। अंबाला में 1.5 वर्ष बाद फिर हम उसी जेल में जब गए तो एक कैदी खड़ा हुआ, बड़ा वहां का हरियाणा का चर्चित नाम है, नाम नहीं लेंगे हम, तो वो 1.5-2 साल इन सबको पता है। 1.5-2 साल बाद जब हम जेल उसी जेल में फिर गए तो उस कैदी ने कहा, एक कैदी खड़ा हुआ, कहते मैं 1.5 मिनट कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो, बल्कि सुप्रिंटेंडेंट ने तो रोका कि पता नहीं ये क्या बोलते, तो हमने कहा कोई नहीं, उसे अपने मन की बात कहने दो। तो उसने कहा कि पूरी जेल को पता है कि 1.5 साल पहले मैं जेल का नंबर 1 खूंखार कैदी था, चलते चलते जो सामने दिख गया उसको धक्का दे दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो जेल वाले भी तंग थे उससे। कहते 1.5 साल पहले मैं सबसे खूंखार कैदी था, कहते आज प्रशासन से पूछ लो और सबसे पूछ लो यहां, आज मैं जेल का सबसे शांत कैदी हूं। और कहते ये परिवर्तन जो आया उस एक उदाहरण से आया 1.5 साल पहले, ये दिया सलाई वाले, कहते मैं बार बार सोचता रहा कि भाई मैं दूसरों का नुकसान कर रहा हूं या अपने आप को जला तपा रहा हूं, अपना ही नुकसान कर रहा हूं। कहते तब से मैंने निश्चित कर लिया कि अब मैं वैसी दिया सलाई नहीं बनना। और परिवर्तन और ढेरों पर लोगों में पर एक रिसर्च टीम आई तो एक कैदी से उन्होंने पूछा कि तू क्या बनेगा बाहर जाकर, तो उससे बड़ा परिवर्तन आया। कहते मैं इतना अच्छा बन के दिखाऊंगा, इतना अच्छा बन के यहाँ योजना बनाऊंगा, बैठ के समय का उपयोग करूंगा कि अपने गांव में जिन गांव के वालों के, कई बार होता है लगता है सबको बाहर जाएंगे तो कौन पूछेगा हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, हम अच्छे बनेंगे तो वातावरण अच्छा बनेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गाँव का, जो गाँव वाले मुझे घृणा की दृष्टि से, मैं उस गाँव का सरपंच बन के दिखाऊंगा, इतना अच्छा करूंगा, स्वच्छता अभियान चलाऊंगा, नशा मुक्ति अभियान चलाऊंगा। और उसे चलाया और वास्तव में वो बन गया सरपंच का, इतना परिवर्तन आ गया। भाइयों, हम निश्चित है कि बदलाव ला सकते हैं, बदल सकते हैं। हम योजना बनाएं, कुछ प्रार्थना करें अपने अपने ढंग से, हरेक के हम प्रार्थना के होते हैं कुछ स्वर, कोई अपनी प्रार्थना करें भगवान से, अपने पश्चाताप करें, अपना कुछ हुआ है पश्चाताप के अग्नि में भी पिछला सारा जलता है, तो कुछ ऐसा बनाएं अपने अपने ढंग से, अरदास करें, प्रार्थना करें, कोई पाठ करें, अपने अपने समय को उपयोगी करने, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छी जो लिख सकते हैं कुछ अच्छा लिखें, और मन में कुछ ऐसे विचार जगाएं कि अब किसी से कोई बदला नहीं, कुछ नहीं, अब तो मुझे मेरे जीवन को शीतल शांत बनाना है और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। यहां रहकर अच्छे संकल्प बनाऊंगा, अच्छे विचार बनाऊंगा, अच्छी योजनाएं बनाऊंगा, और जब बाहर यहां से निकलूंगा तो कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। निश्चित है ये विश्वास, जब आप यहां से बाहर निकलोगे आपके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करके दिखाएगा। तो आज यहां जो बातें कही गई आपको सुनी, तो खैर ध्यान से हो तो हम देख रहे हैं कि सर्दी भी है, ये तो सबको देख रहे हैं पीछे तक, कि सुन तो सभी ध्यान से रहे थे, कोई कहीं हलचल नहीं दिखी, किसी को भी आपस में बात करता नहीं दिखा, ये तो पहली बात तो पक्की है कि आपने सुना है। दूसरी बात है जो सुना है वो समझ में आया या नहीं आया, समझ में सबको आया, कोई इसमें ऐसी बात तो नहीं थी कि इस जाति के लिए या उस जाति के लिए, सबके लिए बात थी, समझ में आई, ये दूसरी बात भी ठीक होगी। तीसरी बात ये है कि जो सुना है अगर अच्छा भी लगा है, अच्छा भी लगा या नहीं लगा, है जी,
अच्छा लगा तो चलो अच्छा लगा ये भी अच्छा है, अच्छा अच्छा लगा ये भी अच्छी बात है। अब अच्छा भी लगा समझ में भी आ गई तो मन कौन कौन बनाएगा कि अब कोई प्रतिशोध बदले की आग नहीं, अब कुछ अच्छी योजना अच्छे विचार। और जरा हाथ कम कम उठे हुए, हाँ अब ठीक है, अब अच्छी बात है। बनेंगे यहाँ रहकर भी अच्छा स्वभाव अच्छा सद्भाव दिखाएंगे और आगे भी कुछ अच्छे वातावरण की ओर बढ़ेंगे। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।